तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो, खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो, तुमने अब और ये श्रृंगार लिखो गीतों में, तुमने अब प्यार ये श्रृंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में, सिर्फ कुंठाओं की अभिव्यक्ति नहीं है कविता, सिर्फ कुंठाओं की अभिव्यक्ति नहीं है कविता, कम क्रीड़ाओं की आसक्ति नहीं है कविता, कम क्रीड़ाओं की आसक्ति नहीं है कविता, कविता हर देश की तस्वीर हुआ करती है, ध्यान से सुनना मैं इसका जवाब सुनाऊंगा, तस्वीर हुआ करती है, निहत्थे लोगों की शमशीर हुआ करती है, निहत्थे लोगों की शमशीर हुआ करती है, तुम भी शमशीर या तलवार लिखो गीतों में, तुम भी शमशीर या तलवार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में, जिस जवानी ने चक्रव्यूह को भेदा है यहाँ, जिस जवानी ने चक्रव्यूह को भेदा है यहाँ, जिसने दशशीश को निज प्राणों से छेदा है यहाँ, जिसने दशशीश को निज प्राणों से छेदा है यहाँ, उन जवानी को नपुंसक न बनाओ कवियों, इशारा कर जवानी को नपुंसक न बनाओ कवियों, खून में उसके तो पानी न मिलाओ कवियों, खून में उसके तो पानी न मिलाओ कवियों, उसके पौरुष का प्रखर ज्वार लिखो गीतों में, उसके पौरुष का प्रखर ज्वार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो, एक दिन सुनाया, दो दिन सुनाया, तीन दिन सुनाया, हर बार मेरी तरफ इशारा करके, ये लड़का है नया गाजियाबाद से आया है, एक जगह है मध्य प्रदेश में मैयर, जहां माता सरस्वती का मंदिर है, मैंने कविता सुनाई, उसके बाद उर्मिले जी संचालन में आए, उन्होंने कहा बहुत अच्छा नया लड़का है, लेकिन ये एक बेटा सुन मेरी सलाह, उन्होंने सलाह पढ़ दी, मैं खड़ा हुआ, मैं माइक पे उनके पास गया, मैंने कहा जी मैं एक मिनट बोलूं, उन्होंने मुझे माइक दे दिया, बोले बोलो बेटा, मैंने कहा साहब आप हमारे बड़े हैं, हिंदी कवि सम्मेलन के स्टार हैं, हम तो नए नए आए हैं, बीए में पढ़ता हूं मैं, पर आप जो ये कविता बार बार मुझे चार दिन से सुना रहे हैं, ये मैयर में शारदा देवी का मंदिर है, मुझे लगता है मुझे आपको जवाब देना चाहिए, और महाभारत भी इसी कारण हुआ था कि चुप नहीं बैठना चाहिए, चाहे अपना बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर गलत लगे तो जवाब दो, जनता में सन्नाटा छा गया, कवि मंच पे एकदम आक्रोश में आ गए, लोगों को लगा कि आज कुमार विश्वास का करियर खत्म, उर्मिलेश से पंगा ले रहा है, उर्मिलेश स्टार, लेकिन वो बड़े शालीन होके बोले ये बच्चा कुछ कहना चाहता, बोलो बेटा, तो मैंने कविता सुनाई उन्हें, उसी समय हाथ पे पर्चा लेके उसी समय लिखी, अब बधाई वालों आपका साथ चाहता हूँ, सुनना, ये जो नफरत का जहर घोल रहे हैं मिलकर, ये जो नफरत का जहर घोल रहे हैं मिलकर, भाषा बारूद की जो बोल रहे हैं मिलकर, भाषा बारूद की जो बोल रहे हैं मिलकर, इनकी साजिश से तो नेहरू का चमन जलता है, इनकी साजिश से तो नेहरू का चमन जलता है, इनके कारण ही ये गांधी का वतन जलता है, इनके कारण ही ये गांधी का वतन जलता है, ऐसे माहौल में मत आग के नगमे गाओ, ऐसे माहौल में मत आग के नगमे गाओ, अब न तुम और ये अंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है श्रृंगार लिखो गीतों में, एक अरसा हुआ तुमने भी मोहब्बत की थी, एक अरसा हुआ तुमने भी मोहब्बत की थी,
के मंदिर में किसी की तो इबादत की थी, तुम भी एक शोक के जलवों को शहर कहते थे, तुम भी एक शोक के जलवों को शहर कहते थे, उसके बोलों पे ही गजलों की बहर कहते थे, उसके बोलों पे ही गजलों की बहर कहते थे, शाम होती थी चिरागों से पिघल जाते थे, शाम होती थी चिरागों से पिघल जाते थे, रात होती थी उन्हीं बाहों में ढल जाते थे, रात होती थी उन्हीं बाहों में ढल जाते थे, जैसा तब तुमने रचा था मेरे प्यारे भाई, जैसा तब तुमने रचा था मेरे प्यारे भाई, आज भी वैसा ही संसार रचो गीतों में, आज भी वैसा ही संसार रचो गीतों में, वक्त की मांग है बस प्यार लिखो गीतों में, प्यारी प्यार है बस प्यार लिखो गीतों में, प्यार